हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ आप सबके लिए जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए रामबाण साबित होगा। साथियों, मैं रामबाण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साथियों, यह आज की हमारी जो ये दूसरी टेस्ट सीरीज है, पहली टेस्ट सीरीज हमने जनरल साइंस की पढ़ ली है और उसके पहले जो हम लोग एक करेंट अफेयर्स की पढ़ ली है, तो आज की हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी और यूपी स्पेशल से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। और साथियों, ये जो इंडियन पॉलिटी और यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी इसमें प्रश्न रखे गए हैं, 150 प्रश्नों की हमारी ये टेस्ट सीरीज है और 150 के 150 प्रश्न इस आधार पर बनाए गए हैं कि करंट में जो चीजें थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो आने का ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। आपको लगता है ये स्टैटिक्स है लेकिन वो उनका कनेक्शन करंट से रहता है। तो जो भी इस साल चुनाव हुआ है आप लोगों को मालूम है, तो करंट और इंडियन पॉलिटी बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। आपका जो जीएस का टॉपिक होता है, ये समझ लीजिए इस साल इंडियन पॉलिटी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, इसका वेटेज बहुत आने वाला है। तो साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करिएगा। अपने आप को अंदाजिए कि हम कितना कर ले रहे हैं, कितना नहीं कर ले रहे हैं, ये आने वाले समय में आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो साथियों, आज की हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज। कुछ लोगों को शिकायत रहती है, सर इसका हमें पीडीएफ नहीं मिलता। तो साथियों, पीडीएफ के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम के लिंक पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको इसको जो है इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से अपना दोहरा सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, आपको सारे के सारे प्रश्न सेटो प्रश्न है, यानी कि जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है बिल्कुल उसी तरह से। तो आरओ एआरओ के लिए आप कितने तैयार हैं आप खुद अंदाजिए अपने आप को। तो चलें साथियों, हम लोग देखते हैं, और वीडियो पर नए हैं तो साथियों हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया साथियों, देखें पहला प्रश्न हमारा क्या कह दिया, देख ले साथियों, क्योंकि इस साल चुनाव हुआ है तो इंडियन पॉलिटी को आप समझ लीजिए जान है आपके जीएस के लिए। तो कह रहा है धन विधेयक, धन विधेयक के संदर्भ में साथियों आपको दो कथन दे दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। कभी कभी यहाँ बुक कह देता है कि कौन सा सही मतलब गलत उत्तर को बताना होता है, लेकिन यहाँ सही उत्तर को बताना है, तो आप इसे मार्किंग कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला कथन में आपसे ये कह रहा है कि इसे यानी धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साथियों, ये सरासर गलत है। धन विधेयक जो होता है वो सिर्फ सिर्फ लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से पेश किया जाता है, किसी भी सदन में नहीं, यानी राज्यसभा में इसे नहीं पेश किया जाता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो ये गलत हो गया आपका। अब साथियों, ये गलत हो गया तो एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं, इसका मतलब दो उत्तर में सही पूछा है हमसे तो उत्तर में दो नहीं हो सकता, यानी अब ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक नहीं हो सकता, यानी अब हमें क्लियर हो गया कि हमारे आंसर में एक नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता और ये। तो आगे देखें दूसरा वाला, अगर हम पढ़ेंगे तो कह रहा है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। यस मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसे जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, तो ये दूसरी बात सही है। तो आपका उत्तर केवल बी हो जाएगा, उत्तर ये बी हो जाएगा, केवल दो, बहुत अच्छा। आगे हम लोग देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न में, गजब का सवाल है साथियों। जो मंत्रिमंडल गठन हुआ था 1947 में नेहरू जी के नेतृत्व में, उस पर सवाल पूछ रहा है। भारत के स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 जो गठन हुआ था उसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ याद रखिए सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत है, उसको हमें बताना है। तो साथियों, आप लोग जानते हैं जॉन मथाई जो थे इनको रेलवे और परिवहन मंत्रालय मिला था इनको, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको कृषि और खाद्य विभाग मिला था। ये राष्ट्रमंडल तो नेहरू जी के पास था, तो ये जो कृषि वाला था साथियों, ये कृषि और ये खाद्य वाला ये था राजेंद्र प्रसाद जी के पास, तो ये वाला यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, यही मिसमैच है। और बाकी साथियों अपनी अपनी जगह पर सब सही है, यानी जॉन मथाई को तो रेलवे मिला था,
जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये सब अपनी जगह पे सही है, गलत केवल बी था। तो बी हमसे पूछा कौन गलत है, तो बी गलत था। क्यों गलत था, तो मैंने बता दिया, राष्ट्रमंडल जगह कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनको मिला था। आगे हम लोग देखें तीसरे वाले में। तीसरे वाले में साथियों क्या करा है, गजब का सवाल है। यहाँ देखें इसमें साथियों, जो अंबेडकर जी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जान जाएंगे, कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। आप लोग जानते हैं साथियों, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी, संविधान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति, यह जो है बी आर अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में यह समिति बनी थी। तो यह संविधान सभा के, यह प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में साथियों कुल 7 सदस्य थे और अंबेडकर जी को लेकर, अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। तो इनमें कुछ नाम दिया है, कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे। तो साथियों एन माधव राव भी इसके सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी थे और कृष्णामचारी भी थे। तो कृष्णामचारी भी इसके जो है सदस्य थे। कृष्णामचारी जो है एक खेतान नाम के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के बाद इनको शामिल किया गया था। तो साथियों यहाँ जो है चार के चारों व्यक्ति जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य में जो है वो शामिल थे। तो विकल्प नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा साथियों, ये तीसरे का डी हो गया, यानी चारों के चारों थे, कुल 7 सदस्य थे याद रखिए अंबेडकर जी को लेकर। चौथे में हम लोग देखते हैं साथियों, बहुत बेहतरीन क्लास है। आप लोग को अगर लगता है कि हम आपका भाई आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करके सपोर्ट हमारा जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम लोग चौथे में, यहाँ देखें चौथे में हमसे क्या पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो साथियों ये चारों विकल्प हमें बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से, यूएसए से कौन सा प्रावधान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो साथियों ये राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति जो हो गई, तो ये तो नहीं है, यहाँ पर जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। विकल्प नंबर ये सी आपका यही उत्तर हो जाए, यही संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो है इसके बारे में तो जानते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सब है यहाँ, और ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है साथियों, यहाँ राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, ये जो होता है कि तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। देखते हैं क्या कह रहा है आपको, कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है उसको बता दें। तो साथियों गजब का सवाल है, यहाँ पर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, हमारे भारत में भी न्यायपालिका की स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यही जो है अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और बाकी ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से, और यूएसए वाला कौन है, ये यूएसए से कौन लिया गया है, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यहाँ आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे हम लोग चले देखते हैं पांचवे वाले में साथियों, यूपी स्पेशल से सवाल है ये। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको चार कथन चार विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है, जो सही है यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है उसे ही बताना है। 3 गलत हैं एक सही है, उसी सही वाले को हमें बताना है। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो साथियों सबसे पूर्वी जिला बलिया है, शामली नहीं है, शामली तो सबसे पश्चिमी जिला है ना, तो बलिया सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, इसलिए यह गलत हो गया। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो साथियों सबसे दक्षिणी जिला हमारा तो सोनभद्र हो जाएगा, बलिया कहाँ से, बलिया तो पूर्वी था ना, तो सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा, सोनभद्र, ये हो जाएगा। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, यह साथियों ये विकल्प आपका सही है, तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा। और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला सोनभद्र जो लिख दिया है, तो सबसे पश्चिमी जिला शामली था जो पहले वाले में दे दिया है। तो ये चीजें बहुत अच्छी थी आपके लिए, जानते रहिएगा। तो सारी चीजें मैंने बता दिया, उत्तर आपका सी होगा।
तो छठवां अब हम चलते हैं, देखते हैं कि छठवें में आपसे क्या पूछा जा रहा है। कितना अच्छा सवाल है, देख रहे हैं, संस्थाओं से संबंधित सवाल है, उत्तर प्रदेश के संस्थाओं से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चार कथन, चार विकल्प दिए गए हैं। कौन सा सही नहीं है, यानी मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे बताना है। तो साथियों बताइए कौन सा गलत है, यानी जो मिसमैच है उसे बताना है। तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश रूरल मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कानपुर दे दिया है, जो कि सरासर गलत है। यह साथियों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, इटावा जिले के सैफई में है। सैफई आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत फेमस है। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और जो पूर्व उनके बेटे अखिलेश यादव, ये उनका गांव है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पर, यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान यानी ग्रामीण मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय है, कानपुर में नहीं है, इटावा में है, इटावा जिला के सैफई में। यही आपका जो गलत था, तो हमें गलती गलती पकड़ में आ गई। हाँ भाई यही गलत था, तो यही हमारा उत्तर होगा। अब हम आंख मूंद कर कह सकते हैं ये तीनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही थी। जो बेबी गिरी, ये राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, नोएडा में है, बेबी गिरी जो आपके चौथे राष्ट्रपति थे तो उनके नाम पर रखा गया है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, ये तो वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ में है। तो यानी ये सब अपनी जगह पे सही थे, यही ए वाला गलत था, क्योंकि कानपुर की जगह ये सैफई होना चाहिए। आगे देखें हम लोग सातवें में। सातवें में साथियों क्या कह रहे हैं, 15वीं जनगणना जो सन 2011 में हुई थी, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है। तो पुरुष एवं महिला साक्षरता में कितना प्रतिशत है, तो ये हमें बताना है। तो साथियों लगभग 20 हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर यही होगा लगभग 20। क्योंकि साथियों पुरुष का देखेंगे तो लगभग 77% से जो साक्षरता है, और महिला का देखेंगे तो लगभग 57% साक्षरता है, मोटी मोटा में, या पॉइंट में कुछ हो सकता है। अगर इनका औसत लेंगे तो लगभग 67% जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। तो यहाँ पर एक तरह का उत्तर प्रदेश में महिला, पुरुष एवं महिला में साक्षरता का प्रतिशत पूछा तो 20 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में यहाँ 20 का फर्क है। तो यही बी वाला आपका सातवां का बी उत्तर हो जाएगा, 20.10%। आठवां में हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ घराने से नहीं है। तो लखनऊ घराने से नहीं है ये बताना है। तो साथियों ये बिस्मिल्ला खान का, बी से बिस्मिल्ला, बी से बनारस, तो ये बिस्मिल्ला खान ये बनारस से थे, ये लखनऊ से नहीं है। तो यही आपका उत्तर होगा, यही गलत है। तो और बाकी जो है ये सबका जो है घर लखनऊ घराना से, इन तीनों का। आगे चले हम लोग नौवा में देखते हैं, एक तरफ आपको पंछी अभयारण्य दे दिए हैं और दूसरी तरफ जिला दे दिए हैं। तो कौन सा पंछी अभयारण्य किस जिला में है, सही सुमेलित बताइए, क्योंकि तीन गलत हैं एक सही है, तो उसी सही वाले को आपको पकड़ना है। तो साथियों यहाँ पर सांडी पंछी अभयारण्य जो है इटावा में नहीं है, यह हरदोई में है, इसे याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, ये हरदोई में, लिख दे रहा हूँ, ये हरदोई में है, आपके लखनऊ के बगल में, तो ये हरदोई में है। और ये समसपुर पंछी अभयारण्य साथियों, ये समसपुर पंछी अभयारण्य रायबरेली में है जी, यही सत्य है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये पता लगे ये सही है, तो इसका मतलब बाकी सब गलत ही होंगे। तो उत्तर आपका यही होगा बी, और समन पंछी अभयारण्य, ये समन पंछी अभयारण्य साथियों ये मैनपुरी में है, हरदोई में नहीं है, हरदोई में तो वो था, तो ये मैनपुरी में है। तो जहां से आपकी उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी अभी सांसद है मैनपुरी से। ये सरसई नवर झील, यह कहाँ है, मैनपुरी दे दिया है साथियों, ये मैनपुरी नहीं, यह इटावा में है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, ये सब गलत था, सही केवल बी था। आपको देखें चौथे में, दसवें में साथियों बता दें क्या है, दसवां वाला चलते हैं, देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में साथियों, जो मेरठ से प्रयागराज होकर जाता है, तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस, इसमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश के किस जिले से वो होकर नहीं गुजरता है ये बताएं। तो साथियों ये कानपुर से होकर नहीं गुजरता है,
बदायूं, उन्नाव, कन्नौज इन सब से होकर गुजरता है। तो ये जो है ये है 6 लेन की, ये साथियों ये हाईवे है और 594 किलोमीटर का ये है। ये कभी आपसे लंबाई उम्बाई इसका पूछ लें तो 594 किलोमीटर का ये है, तो इसको याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग अब देखें इसको 10वें में, 11वें में, तो क्या है 11 वाले में हमारा? तो 11 वाले में साथियों हमसे कह रहे हैं एक तरफ अधिनियम दे दिया है, एक तरफ हमें अधिनियम दे दिए हैं और दूसरी तरफ वर्ष, तो कौन सा सही सुमेलित है उसे बताइए। सही सुमेलित का मतलब साथियों यहाँ कि 3 गलत हैं, 1 सही है, उसी सही वाले को पकड़ना है हमें। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम साथियों 2000 में हुआ था, क्योंकि 2000 सन 2000 में उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया और बिहार से काटकर जो है लगभग झारखंड बनाया गया। तो ये सब अपडेट हुए थे उस समय अधिनियम। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1996 नहीं 2000 में होगा, 2000 में। तो ये तो गलत हो गया, हमें सही बताना है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये साथियों ये सही है क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन अधिनियम हुआ था और बिहार पुनर्गठन अधिनियम ये भी 2000 में हुआ था। मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तीनों का 2000 में, हालांकि डेट अलग है लेकिन सन वही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात कर रहा है तो साथियों जो है वहां तेलंगाना 2014 में बनाया गया था, तो 2014 में ये पुनर्गठन हो गया। तो सारी चीजें मैंने बता दी, ये सब जो गलत है सही केवल उत्तर प्रदेश वाला है बी। 12 में देख लें हम लोग, 12 में साथियों के हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 का अधिकार नहीं है? तो 25 से 28 का अधिकार जो जो कह रहा है भारतीय संविधान के अधिकारों का, धर्म की स्वतंत्रता जो 25 से 28 तक है, तो उससे संबंधित नहीं है, हमें उसको पकड़ना है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता दिया है, तो इससे संबंधित जो नहीं है उसी को हमें पकड़ना है, इससे संबंधित जो नहीं है। तो साथियों इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में भी है। जी ये बात तो सही है लेकिन हमें गलत को बताना है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संबंध होने के बारे में भी बात किया गया है, यस ये भी सही है। और यहाँ क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रशासन और करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जी साथियों यही नहीं है, बाकी जो है सब धर्म की स्वतंत्रता से है। ये डी वाला भी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सी वाला साथियों ये इससे नहीं है ये वाला। तो ये ही जो है, ये जो है आपके अल्पसंख्यक जो भाषा लिपि संस्कृति है सब उसके संबंधित है ना, ये 29 में है, तो ये वाला आपका ये 29 में हो जाना चाहिए। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है, 29, 29। यही गलत है, बाकी सब अपनी जगह पे सही है धर्म की स्वतंत्रता के हिसाब से। आगे देखें 13 में, 13 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, नीति निदेशक तत्वों, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों भारतीय संविधान के ये मतलब आपके डीपीएसपी के बारे में बताना है, यानी नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत बताना है किस अनुच्छेद में स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, वस्तु है, उनका संरक्षण, उनको बचाने के बारे में कहता है, तो उसको बताना है हमें। तो साथियों उसका अनुच्छेद जो है यहाँ पर जो होना चाहिए ये 49, 49 ही है साथियों। इसमें क्या है कि जो स्मारक है या वस्तु है, स्थान है, उनका बचाव करना, संरक्षण करना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 49। और 40 में तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दे दिए हैं। और 50 में तो न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से अलग होने की बात किया गया है। और 51 में तो साथियों यही दिया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित दिया है, ये शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो आपका उत्तर केवल ए हो जाएगा, यही से संबंधित है। आगे देखें हम लोग 14 में, तो 14 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, देखें
क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं लेकिन कोई दम नहीं है साथियों। ऐसे प्रश्नों से आप भिड़ना सीखिए, लड़ना सीखिए, इनको तोड़ना सीखिए। तो कौन सा, यही जब से आप प्रश्नों के साथ जूझेंगे नहीं, तो क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं उनसे जूझने से ही आता है। जो जो बच्चे प्रश्नों से जूझ गए, प्रश्नों से लड़ गए, और लड़कर जो है आप 20 प्रश्नों से लड़ेंगे, आप उसमें से 10 भी निकाल लेंगे तो भी आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। तो यही होता है क्वेश्चन से भिड़ना, लड़ना और उनको तोड़ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? तो संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है उसे हमें बताना है, जो संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 6 विशेषताएं कुल दी गई हैं, कौन सा संसदीय व्यवस्था विशेषताएं नहीं है तो उसको हमें बताना है। तो चले हम लोग देखते हैं पहला वाला में साथियों। यहाँ जो है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये तो है संसदीय व्यवस्था का है साथियों, इसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें बताना है जो नहीं है। तो राजनीतिक एकरूपता, यहाँ पर जो राजनीतिक एकरूपता है ये भी बात है साथियों, क्योंकि गठबंधन की सरकारें चलती हैं तो राजनीतिक एकरूपता है। दोहरी सदस्यता, तो दोहरी सदस्यता साथियों यहाँ पर ये दोहरी सदस्यता वाला भी मामला तो यहाँ संसदीय व्यवस्था की विशेषता यहाँ पर तो होनी चाहिए, तो संसदीय व्यवस्था की है, यहाँ दोहरी विशेषता होती है लेकिन भारत में तो एक अहरी है। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यस यहाँ पर प्रधानमंत्री ही मुख्य भूमिका में होता है। तो इतनी बातें जो है साथियों ये सब तो संसदीय व्यवस्था की है। तो यहाँ जो पांचवा छठवां लिखा है, निचले सदन का विघटन न होना, तो यह एक जो है साथियों संसदीय व्यवस्था का मतलब वे संबंधित नहीं है। तो निचला सदन का विघटित न होना, लेकिन हमारे यहाँ निचला सदन का विघटन हो जाता है, यानी लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा को ही निचला सदन बोला जाता है और राज्य सदन को उच्च सदन। तो ये और शक्तियों का स्पष्ट विभेद, तो ये सब पांचवा छठवां जो है ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यही डी आपका उत्तर हो जाएगा, पांचवा छठवां डी वाला, 14 का डी। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य शामिल है, उस राज्य का नाम बताना है जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो साथियों हमारे भारत को कुल 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है साथियों। आप लोग जानते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सबसे उत्तर में है, जहां पर जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ये सब है। फिर आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद, जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड ये सब आ जाते हैं। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद ऐसे है। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पूछा जा रहा है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में साथियों बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, और जो है ओडिशा हो गया, ये सब आते हैं। तो उत्तर आपका ये हो जाएगा बिहार, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। और यहाँ जो दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब साथियों मध्य क्षेत्रीय परिषद में आएंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। तो याद रखिएगा इन सब बातों को, काम देगी आपको। आगे हम लोग देखें 16 में। तो 16वें में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद का नाम बताना है कि किस अनुच्छेद में समेकित निधियों, समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा का उपबंध किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 283 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 283 में इन तीनों जो है, यानी जो समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों में जो जमा धन होती है उसकी अभिरक्षा की जाती है। तो विकल्प नंबर हमारा ये 283, अनुच्छेद 283 में ये बात है साथियों। और आप लोग यहाँ जानते हैं 279A में जो है ये जीएसटी परिषद, राज्य सरकारों के संयुक्त मंच है, यानी जीएसटी परिषद ये है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, जीएसटी परिषद से संबंधित है ये। तो उत्तर फिलहाल प्रश्न का आपका डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 17 में। तो 17 में आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 13 के संबंधित है। अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो विधि के अंदर प्रावधान विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उसे बताना है हमें। तो यहाँ पर पहला दिया है आपको, पहला दे दिया है यहाँ पर संसद द्वारा पारित विधियां। तो संसद द्वारा पारित विधियां हो गई साथियों, ये तो है, ये एक
ये विधि के अंतर्गत आती है, तो इसका मतलब ये हमारे उत्तर में नहीं होगा। अपने हिसाब से तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है ना कि कौन सा विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 में साथियों ये आती है, विधानमंडल द्वारा पारित विधियां भी आती है और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी आता है, मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, तो ये नहीं आता। तो विकल्प नंबर जो आपका ये 4 है, तो ये अनुच्छेद 13 के अनुसार ये जो विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं 18 में। तो देखें 18 में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है। तो साथियों गोलकनाथवाद में दिया गया है, 1967 में हुआ था गोलकनाथवाद केस, तो 1967 में ये गोलकनाथ वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट को नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार की संज्ञा दी है। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, गोलकनाथ केस। और केशवानंद के बारे में जानते हैं, इसको तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको कई सारी जो है जानकारी मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है केशवानंद वाले में। आगे अगर हम लोग देखें 19 वाला में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये साथियों हमें मालूम है ये जो रिट की बात किया गया रहा है, जानते हैं हमें साथियों ये जो रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 32 तहत रिट जारी करती है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है हमारे प्रश्न में, किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तो परमादेश रिट जारी किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो साथियों यहाँ पर ये सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है ये परमादेश रिट, और एक निगम के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, न्यायाधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। यहाँ पर जो कह रहा है किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता, तो गैर सार्वजनिक संस्थाएं जो हैं, निकाय हैं जो संवैधानिक नहीं है, तो उनके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो विकल्प नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, और संवैधानिक निकाय का मतलब जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। यही आपका 19 का उत्तर बी हो जाएगा आपका। आगे देखें हम लोग, ये यहाँ पर परमादेश रिट है साथियों, कुछ लोग को यहाँ कंफ्यूजन होगा, परमादेश रिट का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं, तो ये होता है इसका मतलब ये होता है आज्ञा देने का, यानी सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध है। 20 वाले में हम लोग देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस उपबंध में संशोधन के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपबंध में विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है साथियों, ये बात किया जा रहा है। जानते हैं साधारण बहुमत, जानते हैं हमें 50%+1 होता है, ये तो साधारण बहुमत हो गया, और ये विशेष बहुमत के बारे में बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान में किस उपबंध में विशेष बहुमत का प्रावधान किया जाता है, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के संबंध उपबंध जो है इसमें तो नहीं किया जाता है विशेष बहुमत, संसद में प्रक्रिया नियम जो होती है ये भी तो विशेष बहुमत से नहीं होती है, तृतीय श्रेणी वाला जो है इसमें भी नहीं होता। तो मूल अधिकार आप लोग जानते हैं, नाम से ही लग रहा है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार संबंधित कोई मामला होता है, तो वहां पर जो है विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर आपका यहाँ 20 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, जैसे जो ये होता है मूल अधिकार, तो इससे संबंधित है ये। आगे हम लोग अगर देखें 21 में, तो 21 में क्या है, किसी विशेष सेवा के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाने पर निम्नलिखित में से किस अनुदान की आवश्यकता होती है। तो किस अनुदान के अनुपूरक साथियों, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यही होता है साथियों। क्या होता है, जिससे सरकार कोई बजट बनाती है और बाद में लगता है कि बजट से ज्यादा खर्च आ रहा है, तो अनुपूरक बजट एक पेश किया जाता है, तो उसी से संबंधित है ये। तो चालू वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त पाई जाती है यानी कमी पड़ जाता है, तो इसके अनुदान को अनुपूरक से संबंधित होता है, अनुपूरक की आवश्यकता होती है, अनुपूरक बजट भी ऐसा ही होता है। आगे तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं,
कह रहे हैं कि कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त है साथियों, हमें मालूम है विदेशियों को जो अधिकार प्राप्त नहीं है, पहले उसको जान लीजिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो ये दोनों अनुच्छेद 29-30 से संबंधित हो गए, तो ये सब तो पहले ही प्राप्त नहीं है। ये वाला अनुच्छेद 16 से संबंधित है, ये भी प्राप्त नहीं है। ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है, ये वाला विदेशियों को प्राप्त है। तो विकल्प नंबर जो है डी वाला जो है, ये नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 से संबंधित है, ये विदेशियों को प्राप्त है। हालांकि इतना याद रखिए, इतना विदेशियों को प्राप्त नहीं है मौलिक अधिकार, और बाकी सब जो है विदेशियों, भारतीय नागरिकों सबको प्राप्त है। तो आगे हम लोग चलें, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखें 23 वाले में हमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो पहला वाला जब पढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह देना अनिवार्य नहीं है। तो साथियों यस, ये बात सही है। अगर सार्वजनिक महत्व पर कोई जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, जो है कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, यह भूतपूर्व जैसे कोई संधि हुआ है, समझौता हुआ है जो, तो उस पर अगर न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना होता है, यस, अगर कोई संधि समझौता हुआ है उस पर अपना कोई मतलब महत्व के विषय में सलाह मांग रहा है सरकार, तो यहाँ उसे सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। तो ये बात सही है। तो ये बात यानी इतना याद रखिए, सार्वजनिक महत्व पर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और कोई संधि या समझौता पर मांगता है जो हुआ है पहले, उस पर दे सकता है, उस पर देना बाध्य है। तो ये दोनों बातें सही हैं, आपका उत्तर सी हो जाएगा। आगे हम लोग 24 वाला में देखते हैं। तो 24 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सिक्किम भारतीय संघ के अंतर्गत पूर्ण राज्य निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत बना। तो साथियों हमको मालूम है अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद ये यहाँ पर दिया है आपको 35वां, तो 35वां के तहत मिलाया गया था। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर साथियों, तो इसके तहत उसको शामिल किया गया था सिक्किम को भारत में, ये अनुच्छेद 35 के तहत। लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो अनुच्छेद 37 के, ये 36 के तहत मिला, तो पूर्ण राज्य इससे मिला। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, 24 का उत्तर सी। आगे चले हम लोग, देखते हैं यह 36वां संविधान संशोधन 1975, तो डेट इसका 1975। आगे देखें हम लोग, अब 25 में क्या क्या कहा जा रहा है हमसे। 25 में साथियों पूछ रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में, भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वही हमें बताना है, जो सही नहीं है उसी को हमें बता दें, कौन सा उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है। तो साथियों पदावधि के उसके पद के ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है, यस हम लोग तो जानते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें गलत बताना है कौन सा सही नहीं है राष्ट्रपति के संबंध में, लेकिन ये तो अपने आप में सही है, ये नहीं हो सकता, तो ये तो सही है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, यह साथियों सही बात है। ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन अभी हमें उत्तर नहीं मिला, क्योंकि हमें गलत पूछा है, अभी गलत हमको नहीं मिला है। संविधान में उसे हटाने का कोई आधार नहीं है, तो यह साथियों उसको हटाने के लिए संविधान में कोई आधार भी नहीं है, तो ये भी बातें अपने आप में सही है, यानी गलत अभी भी हमें नहीं मिला। तो देखते हैं गलत कहाँ मिलता है। उसे हटाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं साथियों, वह जो है उच्च सदन यानी राज्यसभा का जो है नेतृत्व करता है, तो उसे राज्यसभा में केवल लाया जाता है। तो ये भी गलत हो गया, किसी भी सदन नहीं, केवल राज्यसभा में, ऐसे तो ये गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। 26 में देखा जाए, अस्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, यानी स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में हमें उस विकल्प को पकड़ना है जो सही नहीं है। तो साथियों चले देखें कौन सा सही नहीं है। तो
इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यस स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन हमें अभी गलत को बताना है, गलत नहीं मिला। सरकार, इसमें सरकार के विरुद्ध निंदा तत्व समाहित होता है, यस साथियों, इसमें निंदा भी होती है सरकार की। और ये जो हमारा प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के बाद अध्यक्ष सदन को स्थगित करने की शक्ति है, तो नहीं साथियों, ये स्थगन प्रस्ताव में जो है यह ये अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है इसमें, तो ये वाला जो है आपका ये स्थगन प्रस्ताव से संबंधित यहाँ पर गलत हो गया, यही आपका उत्तर होगा। और स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सभा स्वतः स्थगित हो जाती है, तो ये डी वाला भी सही है अपने आप में, लेकिन उत्तर आपका सी होगा, यही गलत है, क्योंकि तो अध्यक्ष सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है यहाँ पर। आगे हम लोग देखें 27 में, तो यहां पर 27 में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है 27 में, तो थोड़ा सा अब सही है। निम्नलिखित में से किस किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति है, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी हो गया। तो साथियों जान लीजिए, 42वां संविधान संशोधन में 1976 में ये क्या किया गया कि हाँ, मंत्रिमंडल जो कहेगा राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अगर दोबारा आए तब नहीं लौटा सकता, तो ये 44वां संविधान संशोधन में हुआ था लौटाने वाला, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा। 28 में देखा जाए, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा निम्नलिखित में से किस उपबंद को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी इसके द्वारा, ये जो विशेष बहुमत है, संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा, तो कौन सा ये चारों में से किसका उपबंध संशोधित नहीं किया जा सकता है इसके संदर्भ में, तो राज्य विधानसभा का जो गठन होता है साथियों, तो वो राज्य विधानसभा का गठन में ऐसा नहीं किया जाता, वो सामान्य से हो जाता है, तो यही है। बाकी संविधान संशोधन होता है तो दिए हुए जो बातें हैं तो उससे होता है, वस्तु सेवा कर परिषद होता है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो ये राज्यों की जरूरत पड़ती है वहां पर, ऐसा संसद विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, तो फिलहाल ये राज्य में विधान परिषद का जो गठन होता है यह जो है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति इसके द्वारा नहीं पड़ती है, तो ये आपका जो है यही गलत है। आगे चले हम लोग अब 29 में हमें क्या पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार शामिल है, तो किस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद को बताना है कि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार शामिल है, तो अनुच्छेद 127, 129, 131, 138। तो साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 131 जो है, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, और अनुच्छेद 127 जो दिया है इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कोटा पूरा करने के लिए, तदर्थ ये वाला होता है 127 वाले में, और ये 138 वाले में यहाँ जो होता है साथियों, इसमें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तार करने की बात होती है, फिलहाल उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो है वो अनुच्छेद 131। 30 वाले में देखते हैं क्या है, इसमें एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ राज्यसभा में सीटों की संख्या दिया है राज्यसभा में। तो साथियों, तो कौन सा सही सुमेलित है ये हमको बताना है, तो कौन सा सही सुमेलित है इसको बता दीजिए आप, कैसे बताएंगे, तो देखें यहाँ पर जो दिया है उत्तर प्रदेश 80 सीट, तो मेरे भाई राज्यसभा की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में जो है 31 सीटें हैं, 80 नहीं, 80 तो लोकसभा में है, तो ये गलत हो गया आपका, 30 में ये गलत हो गया, तो बिहार में करा है 40, मेरे भाई बिहार में लोकसभा की 40 है, राज्यसभा की 40 नहीं है, तो राज्यसभा की 16 है, ये भी गलत हो गया। पश्चिम बंगाल में करा है 20 है, तो 16 है साथियों, 20 में नहीं है, तो वहां भी 16 है,
मध्य प्रदेश में 11 है, ये बात सही है। तो मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब में 11 11 है, तो डी वाला ही आपका सही है। 31 में, 31 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में समाहित नहीं किया गया है। तो 1976 के तहत किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, इसको हमें बताना है किसको नहीं किया गया है। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यस इसका तो है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए, यह भी है। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी बातें हैं साथियों। इसका मतलब जब शुरुआत के तीन सही हैं तो गलत तो यही डी वाला होगा, आंख मूंद कर हमें आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि तीन हमें शुरुआत के तीन क्लियर हैं तो गलत यही होगा। तो मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, तो ये बातें जो है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसमें बाल्यावस्था, जो शिशु अवस्था के बच्चे होते हैं 3 साल से 6 साल को लेकर, उन बच्चों की बात किया गया है, इसमें तो नहीं किया गया है। आगे देखें हम लोग 32 में, 32 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है मेरे भाई, संसद को राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे दी गई है। तो इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दीजिए हम लोग। तो चले हम लोग सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। क्या है हमारा, तो दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर, यस ऐसा बात होता है तो हम राज्य संसद राज्य सूची के विषय पर बना सकता है, और अंतरराष्ट्रीय संधि करार या अभिसमय ऐसा कोई मामला हो तब बना सकता है। तो यानी दोनों बातें सही है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। 33 को हम लोग देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था नहीं है। तो एकात्मक व्यवस्था कौन सी नहीं है साथियों, तो जो है जो एकात्मक है उसे हटा दिए, जो एकात्मक नहीं है उसे बता दीजिए कौन सी एकात्मक नहीं है। तो साथियों जहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो एकात्मक नहीं है, जैसे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है एकात्मक नहीं है, तो एकात्म संसदीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है स्वतंत्र होती है। तो यही भी आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो साथियों एकात्मक व्यवस्था है, यानी इस केंद्र को ज्यादा शक्ति है, इसमें जैसा चाहे वैसा राज्यों के हिसाब कंट्रोल कर सकता है। एकल संविधान है, ये भी जो है एकात्मक व्यवस्था है। राज्यों में प्रतिनिधित्व में समान का अभाव, समानता का अभाव, ये भी है। तो फिलहाल बी नहीं है, बी एकात्मक नहीं है, बल्कि बी संसदीय व्यवस्था। आगे देखें हम लोग 34 में, 34 में हमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो साथियों ये बात तो सच है, यहां पर निम्नलिखित में से सदस्यों में, मतलब विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का जो है वो निर्वाचन करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ये बात तो जो है सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही बात है हमारी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, यस उपाध्यक्ष को ही देता है, तो दोनों बातें सही है। आगे देखें, अभी जैसे ओम बिरला हो गए, अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष जो होगा उसको देंगे। 35 में, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, उसे हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, तो कौन सा सही नहीं है उसे हमें बता देना है, मतलब कौन सा सही है, यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पहला पढ़ेंगे, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है, यस जब संविधान का अतिक्रमण का मामला आए। संविधान ने, संविधान का अतिक्रमण वाक्य को परिभाषित नहीं किया है, तो यस साथियों
इसमें ये बात सही सच है कि उसने परिभाषित नहीं किया है कि अतिक्रमण क्या होगा, कैसा होगा। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 36 में 35 हो गया हमारा। अब हम लोग 36 देखते हैं। तो 36 में क्या है, लोक अदालतों के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा विकल्प। तो लोक अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो साथियों, इसके समक्ष उन मामलों को लाया जाता है जो न्यायालय में लंबित हो, यस, जो न्यायालय में लटके हुए मामले हैं, तो उस मामले को इस लोक अदालत में लाया जाता है, मामले को जल्दी से निपटा सके इसलिए लोक अदालत व्यवस्था की गई। तो इसके निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो साथियों, यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो ये निर्णय लोक अदालत सुनाता है, ये सुना दिया, तो इसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसमें कह रहा है जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो यही आपका उत्तर होगा। आगे चले हम लोग 37 में। तो 37 में क्या है, संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में, तो साथियों हमें जानते हैं संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, वो जो प्राधिकारियों को कुछ जो है भत्ता वेतन विशेषाधिकार सब मामलों से संबंधित होता है, तो वो किससे संबंधित नहीं है, किस प्राधिकारी से, किस प्राधिकारी को ये सम्मिलित नहीं करता है, इसको हमें बताना है। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी नहीं है, यानी भारत राज्य सभा के सभापति उपसभापति भी हैं, विधानसभा परिषदों के सभापति उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, वो तो भारत का महान्यायवादी इसमें शामिल नहीं है। तो यही जो है उत्तर होगा आपका सी वाला, 37 का सी। तो 38 का हम लोग देखें, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए? तो आपको अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इन दोनों कथनों में दिया है, सही है कि नहीं है, सही उत्तर आपको देना है। तो भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, यस साथियों, आपको मतलब 10 साल जो है मतलब इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए न्यायिक कार्यों में। तो दूसरा कह रहा है वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो नहीं साथियों, जब 10 वर्ष की बात कर दे तो वो रुक रुक कर कहीं 2 वर्ष कहीं 5 वर्ष लगातार, न जरूरी नहीं है कि लगातार ही रहे, इसमें आपको लगातार दे दिया है, तो इसलिए 38 वाले में ये दूसरा आपका गलत हो जाता है। लगातार 10 वर्ष दे देता है तो इसका मतलब वो लगातार नहीं, आपको जो है खंड में भी हो सकता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर केवल 38 का ये तो सही होना चाहिए यार, ये सही होना चाहिए, सही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ। वो उच्चतम न्यायालय लगातार 10 मतलब ये 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, सही बात है ये, तो दोनों सही होगा यहाँ, मैं ही गलत था, सही है। आगे देखें हम लोग 39 में। तो 39 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? आपको मालूम है जो पंचायतों का चुनाव होता है उसका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो इसका सुझाव किस समिति ने दिया था, उस समिति का नाम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो साथियों, गाडगिल समिति ने उसको दिया था, विकल्प नंबर ये आपका बी हो जाएगा। तो ये सब तो पंचायतों से संबंधित दिए थे, ये सब नहीं होंगे, ये गाडगिल होगा। तो 39, 40 देखते हैं हम लोग क्या है। तो साथियों, यहाँ 40 शायद कट गया है, देख ले हम लोग, 40 तो नहीं है, 40 शायद इस पेज में छूट गया है ये। तो हम लोग 45 को देख लेते हैं पहले। तो 45 को देख लें, यहाँ पर क्या है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आपको 2 कथन दिए गए हैं, पढ़कर इनको आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी जो गलत है उसे बताना है हमें, कौन सा गलत है हमारे इसमें। तो साथियों चलिए, जो आपको गलत लगे उसी को बताना है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह साथियों। तो
आपको जैसे 545 सांसद हैं मोदी जी के पास, मतलब ये अपने भारत सरकार में 545 हैं, तो इसके जो है प्रधानमंत्री सहित इसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सोच लीजिए कितना नहीं होना चाहिए, तो उतना। तो ये बात पहला सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बात सीधा सीधा गलत है साथियों। तो आपका केवल ए सही हो जाएगा, 40 का आपका जो है, यहाँ 45 है ना, सॉरी 45 है, तो यहाँ केवल जो है दो वाला गलत है, विकल्प केवल दो, यही वाला आपसे गलत है ये वाला। तो आगे चले हम लोग, देखते हैं क्या है हमारा 46 में। 46 में हमें क्या पूछा जा रहा है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो सांसदों को स्थानीय क्षेत्र को किसी को चुनकर उसका विकास करना जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हो, तो ऐसा योजना कब शुरू की गई थी साथियों, 46 में हमसे पूछा जा रहा है। तो 1993 में शुरू किया गया था, 23 दिसंबर 1993 को। आगे चले हम लोग 47 में, तो 47 में क्या पूछ रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथन पर पढ़कर हमें सही उत्तर देना है, इन दोनों कथनों को पढ़ के। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण नहीं किया गया है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो पात्रता है साथियों, एक तरह का जो क्वालिफिकेशन है, उसको जो है नहीं किया गया है। तो ये बात सही है, उनका कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, यह साथी, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, उसी तरह से ये निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो 47 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 48 का, तो 48 में हमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन विधेयकों की संसद में प्रस्तुति से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो साथियों हमें मालूम है जो धन विधेयक आपका होता है, उसकी परमिशन राष्ट्रपति को से पहले लेनी होती है, पेश करने से पहले। तो आपका ये उत्तर होना चाहिए, यानी विधेयकों को संसद में पूर्व राष्ट्रपति पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो जिस विकल्प में एक नहीं होगा, समझो वो गलत हो गया। तो इसमें एक नहीं है, ये भी गलत हो गया, इसमें एक नहीं है, ये भी गलत हो गया। यानी अब हमें एलिमिनेशन से पता लग गया, या तो उत्तर हमारा ये होगा या तो ये होगा। तो चले हम एकाक देखते हैं, और मिल जाता है कि नहीं मिलता है उसको देखते हैं, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति। तो साथियों ऐसा भी, ये भी जो है राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। नए राज्य का जब गठन होता है, तो वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र का परिवर्तन वाला मामला आता है, तो भी लेना पड़ता है। तो यहाँ 1 और 3, तो हमें उत्तर का पता लग गया कि हमारा उत्तर जो है ये ए होगा, 48 का ए। तो साथियों सॉरी, तो चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, 49 में हम लोग देखते हैं क्या है, मैचिंग वाला सवाल है, बहुत बेटे बढ़िया। तो देखें हम लोग क्या है, एक तरफ हमको दिया है संविधान संशोधन और दूसरी तरफ दिया है उसके अनुच्छेद। तो हमें मिलाकर जो भी हमारा सेट बन रहा है, यहाँ पर हम उसको दे देंगे, बता देंगे किस विकल्प का सेट सही है। तो 42वां संविधान संशोधन में साथियों कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, आप लोग यहाँ बताइए, 42वां संविधान संशोधन में वहां कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो साथियों यहाँ पर जो है ये 43A जोड़ा गया था, ये वाला हो जाएगा आपका। और 44वां संविधान संशोधन में साथियों कौन सा जोड़ा गया था, ये 38 जोड़ा गया था, ये वाला मामला। और 86वां संविधान संशोधन में, 46वां संविधान संशोधन में आपको जोड़ा गया था, इसमें 86वां संविधान संशोधन, तो आपका ये 21A हो जाएगा, यस, ये वाला, ये जोड़ा गया था। बाकी एक बचा है, ये आपका, ये यहां से हो जाएगा, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, यानी ये 49 का डी हो गया, सही है। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 50 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं
जिनकी वजह से संसद या राज्य विधानमंडल में विभिन्न सदनों के सदस्य की सदस्यता छिन सकती है। यानी संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गई, ऐसे क्या उन कारण होते हैं कि सदस्यों की सदस्यता छिन जाती है? तो आप लोग मालूम है, एक बार राहुल गांधी जी की भी छिनी थी, यानी कि जिसे 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल से ऊपर उसकी भी चली जाती है, उसमें एक ये बड़ा फैक्टर है। तो एक से अधिक सदन में चुने जाने पर, यस, बहुत से ऐसे नेता आपके, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव अभी विधायक थे, जब वो सांसद चुने गए तो उनको अपने एक से देना पड़ा, यानी 2 सदन आप सदस्यता नहीं रख सकते, एक देना पड़ेगा। तो 2 महीनों से अधिक गैर हाजिरी होने पर, तो यस ये भी बात सही है, 2 महीने से ज्यादा आप गैर हाजिर रहेंगे तो भी हो जाएगा। लाभ के पद पर अगर किसी हैं तो वो भी हो जाएगा, तब पर भी संसद के आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह भी है। तो यहाँ पर साथियों जो है, सॉरी 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 सॉरी, संसद के आचार संहिता पर उल्लंघन करने पर नहीं होता है, वो वहां पर थोड़ा उनको छूट मिली रहती है, तो वहां की कार्यवाही पर उनको कार्रवाई नहीं होती, वहां पर अगर कुछ बोलते हैं, बयान देते हैं तो नहीं होती। तो 1, 2, 3 पर केवल है मामला, डी हो जाएगा आपका उत्तर, 50 का डी। तो 51 का क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, तो हमें सही उत्तर देना है। तो चलिए दे हम, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है साथियों, वो कह रहा है कि यह लोकसभा के, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। तो ऐसा बात नहीं है, वो चुने जाते हैं अपने सदस्यों में, तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति से उनका वो कनेक्शन नहीं है कि जब चाहे राष्ट्रपति हटा दे। तो ये गलत हो गया आपका, ये नहीं होगा उत्तर आपका, ये वाला। तो ये दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। ये आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। तो साथियों ऐसा नहीं है, उस समय उसे अपने सदस्य का सदस्यता होनी चाहिए, जिसको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष बनाने जा रहे हो। जैसे ओम बिरला बने हैं तो वो सांसद हैं राजस्थान के कोटा से, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो चले अब देखते हैं क्या तीसरा हमारा बचा है। वह यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये बातें मैंने अभी आपको बता दी थी। तो ये आपका उत्तर सी हो जाएगा, 51 का सी। चले हम लोग 52 देख लेते हैं। तो 52 में क्या है? किसी कानून, वित्त और बजट सेवाओं के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश के सभी मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो कानून, वित्त और बजट, कानून, वित्त और बजट और सेवाओं से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी के सभी मामलों के निम्नलिखित में से नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, और इसमें से कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो होगा वो गृह मंत्रालय होगा। आप लोग देखते होंगे कि केजरीवाल जो है अमित शाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये गृह मंत्रालय में हमारा बहुत सारा काम आता है, बहुत सारे कामों को हमारा लटका देंगे, तो गृह मंत्रालय के क्षेत्र में ये सब आते हैं। तो 53 में क्या है? तो 53 में क्या कर रहे हैं? न्यायालय में कॉलेजियम, कॉलेजियम में शामिल होते हैं। तो साथियों एक बार न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की कॉलेजियम प्रणाली थी, तो आई थी, तो उसमें कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन इसमें शामिल होते थे ये बताया जा रहा है साथियों, कौन कौन से शामिल होते थे इसमें कॉलेजियम प्रणाली। तो यहाँ पर साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर 3 नाम दिया है। तो यहाँ पर साथियों जो आपका उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर डी होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक प्रणाली, क्योंकि साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस के, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसकी अध्यक्षता में होती है, 4 अन्य सदस्य होते हैं न्यायालय के, वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वहीं उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो बात है, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं ये भी बात है। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल ये होते हैं और ये होते हैं, और सरकार कुछ होते हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते, तो यानी उत्तर आपका ये डी हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग,
चौवन में क्या कहा जा रहा है? तो चौवन में साथियों कथनों पर विचार कर लें, विचार करके कौन सा सही नहीं है उसे हमें बताना है, जो सही नहीं होगा, जो गलत है उसे हमें बताना है। तो साथियों देखते हैं, संसद की अस्थाई समितियों का गठन नियमित आधार पर किया जाता है। तो ये बात साथियों, संसद की अस्थाई यानी परमानेंट समितियां जो हैं का गठन नियमित आधार पर किया जाता है, तो ये बात तो हमारी सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। तो ये हमारा सही है, बात तो सही है लेकिन क्वेश्चन में गलत पूछा है। तदर्थ न्यायाधीश, कौन सा? तदर्थ न्यायाधीश। समितियां अस्थाई समितियां होती हैं जो कार्य पूरा होने पर भंग कर दी जाती हैं, जो टेम्परेरी समितियां होती हैं, काम करने के बाद उनको भंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है, लेकिन अभी गलत हमको बताना है, गलत नहीं मिला। चले देखें, इसको पढ़ते हैं। विशेषाधिकार समिति एक तदर्थ समिति है। नहीं साथियों, ये गलत है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जो है, यही आपकी जो है यही गलत हो जाएगा। 54 का आपका उत्तर यही है। तो विशेषाधिकार समिति लोकसभा के 15 सदस्य और जो है राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, यानी 25 सदस्यों वाला होता है। अध्यक्ष इसकी सभापति करते हैं। यह एक अस्थाई है। तो विकल्प नंबर आपका 3 हो जाएगा, यही गलत है। 55 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके सही नहीं है, जो गलत है उसको पकड़ना है हमें, जो सही नहीं है। तो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के राज्यों में किया गया है। तो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन 6ठी अनुसूची के राज्यों में किया गया है। तो साथियों ये बात गलत है, क्योंकि जनजाति सलाहकार परिषद संबंध संविधान के 5वीं अनुसूची में है, ये 6ठी में नहीं है, ये 5वीं में है। तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरी क्या है, यह जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों में सलाह दे जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सके। तो साथियों संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, तो उन्हें साथियों जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, तो वो ये वाला मामला तो राष्ट्रपति में जाता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि संबंधित सलाह उनको राज्यपाल, वहां के जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल, उनको, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल के। तो ये दोनों को के दोनों बातें गलत हैं, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने वाला विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1952 में पारित हुआ था। 57 पेशा एक्ट, ये साथियों जानते हैं, SC ST से संबंधित मामला है, ये 1996 में आया था। पेशा एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था साथियों? ये GVK राव समिति, विकल्प नंबर बी। इनके संबंध, इनके मतलब सिफारिश पर ये लागू किया गया था। तो आदिवासियों का लगातार जो विरोध हो रहा था उस समय, तो 10 जून 1984 के आदिवासी सांसद दिलीप सिंह भूरिया, तो उनकी अध्यक्षता में समिति बनाकर अनुसूचित जनजाति के जो इलाका होता था उसमें मतलब जो पंचायती व्यवस्था के लिए एक विशेष सिफारिशें देना था उनको, एक तरह का ये था मामला उसमें। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें आपको प्राकलन समिति के संदर्भ में 2 कथन दिया है, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो जो गलत है उसको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है उसे बताना है हमें। देखें पहले क्या कह रहा है। पहला आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद ये पहली प्राकलन समिति की स्थापना 1950 में की गई थी। यस साथियों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजादी के बाद 1950 में प्राकलन समिति जब बनाई गई थी तो इस समय 25 सदस्य थे, 25 को 25 लोकसभा से थे। तो 1956 में क्या किया गया, 1956 में इसमें जो है 30 सदस्य कर दिया गया, 30ों के 30ों जो है लोकसभा से होंगे और इन सदस्यों में कोई भी मंत्री नहीं होगा, सारे जो है गैर मंत्री शामिल होते हैं। तो ये बात सही है।
और इसमें साथियों सत्ताधारी दल का ये उस समय जो 1950 में बनी थी, इसके अध्यक्ष जो थे उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, तो ये थे। और दूसरा वाला करा है प्राकलन समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्षी दल का होता है। साथियों गलत बात है, विपक्षी दल का नहीं, ये सत्ताधारी दल का होता है। तो ये गलत हो गया दूसरा आपका, तो आपसे गलत पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत केवल बी है, तो यही वाला यानी दूसरा दूसरा कथन आपका गलत है, तो उत्तर आपका यही बी हो गया। आगे हम देखें तो 59 में क्या कह रहे हैं, 59 में आपसे कह रहे हैं साथियों नगर पालिकाओं के संदर्भ में, नगर पालिका के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है, इन दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो देखें साथियों हमें मालूम है नगर पालिका के सदस्य कह रहा है अप्रत्यक्ष रूप से राज विधान मंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। साथियों गलत जो है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं साथियों, ये जो है अप्रत्यक्ष नहीं, इनका वोट होता है, जनता वोट करती है, तो ये आपका गलत हो गया ये वाला। दूसरा पढ़ेंगे तो ये बात सही है, क्योंकि ये नगर पालिकाओं के चुनाव में SC ST और महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये बात सही है। दूसरा तो सही पूछ रहा है, तो सही हमारा केवल दो है, यानी उत्तर आपका यहाँ जो होना चाहिए आपके 59 में, तो आपका बी हो जाएगा ये वाला। आगे देखें हम लोग, देखें 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है यहाँ दे दिया है। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में अधिनियम 1992 संबंधित है, तो तीन कथन दिया है, इनको पढ़कर हमें हमें जो है सही उत्तर देना है यहाँ पर। तो पहला कह रहा है कि किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन, यस साथियों ऐसा प्रावधान था, और ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सीटों में सीधे यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने का प्रावधान है, यस ये भी बात सही है। और कह रहा है पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की शक्तियां प्रदान करना, नहीं ये नहीं है, तो आपका उत्तर केवल एक दो होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 60 का सॉरी ए, 1 और 2 सही है। आगे देखें 61 में हम लोग क्या कह रहे हैं, तो 61 में आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत की संसदीय प्रणाली की शुरुआत, भारत की संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है। तो साथियों 1853 के चार्टर एक्ट से मानी जाती है, क्योंकि इसी 1853 का जो चार्टर एक्ट था साथियों, इसी में जो उस समय गवर्नर का जो परिषद होता था उसमें विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था, तो उसी समय की ये बात है साथियों, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करके और विधान परिषद में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, जिन्हें हम लोग विधान पार्षद कहते हैं। आगे देखें 62 में, कानून की उचित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किया गया है। तो यहाँ हम लोग अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो कानून की उचित प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है यह आपके USA से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है, तो ये बातें हमारे यहाँ पर सब सही हैं, तो USA से किया गया है ये। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें वाले में हमें से ये जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कह रहा है संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है। तो हमें मालूम है संविधान की छठी अनुसूची में जो है चार राज्य शामिल हैं, वो चार राज्य क्या है साथियों, मिस्टर अमित, एक ट्रिक होता है मिस्टर अमित, तो मिस्टर से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम है, ए से असम हो जाएगा, असम है छठी अनुसूची में, और एम में हो गया, में से मेघालय, मेघालय है, और टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है, तो साथियों यहाँ त्रिपुरा की जगह लद्दाख दे दिया, तो यही लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं इधर वाले में 64 में 64 में, तो यहाँ क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र यानी पावरफुल केंद्र के साथ संघी व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही फेमस बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये कनाडा से लिया गया था, यानी जो अपने यहाँ फेडरल सिस्टम लिया गया है संघी व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया, विकल्प नंबर आपका सी होना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 65 में,
तो 65 में आपसे जो पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत का आधार नहीं है? तो जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो यह ध्यान रखना है, जो नहीं है उसे हमें केवल पकड़ना है। तो गांधीवादी सिद्धांत साथियों में क्या है, उसमें नशीली दवाओं और दारू शराब नशा ये सब पर प्रतिबंध की बात करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, और कमजोर वर्गों यानी शैक्षणिक मतलब कमजोर वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना प्रोत्साहन देने की बात करता है। तो ये तीनों तो गांधीवादी सिद्धांत हैं। ये वाला देखेंगे जो ए वाला, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांत ये कभी नहीं कहता असमानता को समाप्त करना। तो साथियों ये अवसरों की असमानता को समाप्त करने की बात नहीं करता है, तो यही ए आपका उत्तर होगा। अगर हम लोग 66 में देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं, यानी ऐसे कौन से अधिकार संविधान के 21 में। तो आप लोग जानते हैं साथियों, संविधान 21 में मेनका गांधी वाले केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपडेट किया था, कहा कि अनुच्छेद 21 में अपने मन के व्यक्ति से कोई शादी कर सकता है, स्वच्छ हवा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, फांसी में देरी होने के विरुद्ध उसका अधिकार है, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, और स्वच्छ पर्यावरण, ये सब सारी बातें वहां पर लिखी गई थी साथियों यहाँ पर, जैसे कि और सभी बातें, जीवन की रक्षा का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, स्वस्थ यानी अच्छा हेल्थ का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, सारी बातें यहाँ थी। तो आपका यहाँ जो होना चाहिए विकल्प डी होगा, यही सभी यानी 21 अनुच्छेद में सभी हैं। आगे देखें हम लोग 67 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सरकार संसद से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद संचित निधि से धन निकाल सकती है? तो साथियों अनुच्छेद 114 में ये कहता है कि सरकार यदि संसद से जो है मतलब अपने संचित निधि को इंग्लिश में कहते हैं साथियों कंसोलिडेटेड फंड, तो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है तो उससे जो है अगर पैसा निकालना होता है तो पहले हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। तो यही अनुच्छेद 14 कहता है, और अनुच्छेद 10 यहाँ एक महत्वपूर्ण है 110 की, मतलब जो धन विधेयक से संबंधित विषय होते हैं वो 110 से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका प्रश्न का डी हो जाएगा। अगर हम लोग 67 हो गया यहाँ पर, 68 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ, तो 68 में हमसे यहाँ पर देखते हैं कि कई सारे यहाँ पर बात रखी गई है। तो 68 में कह रहे हैं कि संविधान के वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग जानते हैं जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, तो उसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है उसे हमें रखना है बात अपनी विकल्प में। तो इसमें किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार समाहित है, यस बिल्कुल सही है, यह प्रत्येक नागरिक को विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक लिखित छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता देता है। तो दोनों बातें सही है यहाँ पर, ये भी सही है, यहाँ पर आपका उत्तर सी होगा, हो जाना चाहिए, सही है। तो 69 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का, आप लोग जानते हैं बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत पॉपुलर है ये, तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी बिना चुने अपने मन से सरकार की इच्छा के अनुसार वो मनोनीत कर देता है, उनको शामिल कर देता है राज्यसभा में। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रखने वाले व्यक्तियों को तहत चयनित नहीं किया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सरकार मनोनीत करती है 12 सदस्यों को राज्यसभा में, तो वो अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि जो 250 सदस्यों का चयन होता है राज्यसभा में, उनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन सरकार करेगी, वो साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के आधार पर, यहाँ सहकारिता दे दिया, सहकारिता के आधार पर नहीं किया जाता है, तो यही आपका उत्तर होगा, यहाँ समाज सेवा पर आधारित होता है, समाज सेवा। तो यही आपका जो है यही चारों के आधार पर जो है उनको मनोनयन किया जाता है। 70 में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की स्थिति की जांच के लिए
आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो साथियों 340 विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 340 में जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग का नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो 71 में, 71 में क्या है यहाँ देखते हैं हम लोग, तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं साथियों, कथन कारण वाले सवाल हैं। तो यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, तो इन दोनों को पढ़कर हमें बताना है, अच्छे से सही उत्तर देना है। तो देखें, पहला आप कथन जब पढ़ेंगे तो कह रहा है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक है। यस साथियों, मूल अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, अगर आपके मूल अधिकार खनन हुआ है तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। वह मूल अधिकारों को न्यून करने वाली विधि को शून्य घोषित नहीं कर सकता है। साथियों कर सकता है, ये कौन कहा नहीं कर सकता है, तो ये वाला आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो आपके जो उत्तर होने चाहिए यहाँ पर, तो कारण गलत है, कथन सही है, तो इसका सी हो जाएगा, ए सही है आर गलत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 71 का। तो 72 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 72 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो भारतीय संसद के संदर्भ में, तो भारतीय संसद के संदर्भ में हमें चार बातें लिखा गया है कथन, ये ऑप्शन के माध्यम से तुम्हें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ आप जरूर मार्किंग किया करिए, सही पूछ रहा है कि जो सही नहीं है उसको पूछ रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं पहला वाले में, स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह साथियों स्थगन जो होता है, क्या स्थगन का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए सदन को रोक देना जो है, और यह निश्चित करना कि अगला कब चलेगा, तो जो ये सब होता है तो उसे स्थगन कहते हैं। जब पता ही नहीं चलता है, अनलिमिटेड समय के लिए रोक दिया जाता है, तो वो सत्रावसान होता है। तो यहाँ बी में कह रहा है कि सत्रावसान की शक्ति पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। साथियों स्थगन की शक्ति पीठासीन अधिकारी में निहित होती है, जब सत्रावसान किया जाता है, किसी सत्र की समाप्ति हो जाता है और अगला सत्र कब चलेगा यह निश्चित नहीं होता है, तो इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति जो है करता है। हालांकि उस समय तो जो पीठासीन अधिकारी है बताता है, लेकिन राष्ट्रपति बाद में एक लिखित घोषणा करता है, तो इस यहाँ पर ये पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर बी ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यही गलत है, और बाकी सब सही है अपने स्थान पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो बी सही है क्योंकि गलत पूछा है। आगे देखें 73 में, तो 73 में हमसे क्या पूछ लिया गया है यहाँ, तो निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो साथियों हमें मालूम है संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब राज्य किसी भी मतलब कोई विधेयक पारित हो रहा हो, तो वहां पर राज्यसभा और लोकसभा में मतलब मतभेद हो जाता है, एक एक में पारित हो गया, दूसरे में पारित नहीं हो पा रहा है, तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में दिया गया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो ये जब धन विधेयक का मामला होता है तब नहीं बुलाई जा सकती। तो कह रहा है किस स्थिति में नहीं बुलाई जाती, तो धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जा सकता, और इन सब मामलों में बुलाया जा सकता है। आगे हम लोग देखें 74 में, तो 74 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कटौती प्रस्ताव साथियों, एक कटौती प्रस्ताव जो होता है, जो वो उसके संदर्भ में हमें बातें पूछ रहे हैं, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में विचार कीजिए और जो है अपना बताइए कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है साथियों, कटौती प्रस्ताव का मतलब वो, तीन प्रकार की कटौतियां होती है साथियों, एक होती है यहाँ देख रहे हैं आर्थिक कटौती होती है, और एक नीतिगत कटौती होती है, और एक सांकेतिक कटौती होती है। सांकेतिक कटौती में साथियों 100 रुपये काट लिया जाता है, और ये आर्थिक कटौती में जो होती है एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, जैसे सरकार ने कोई योजना बनाई, योजना कह रहा है हम इस योजना में इतना पैसा खर्च करेंगे, तो विपक्ष को लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा पैसा है, ये कम होना चाहिए, तो आर्थिक कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसमें
कुछ राशि उसमें कम कर, जैसे 100 करोड़ का है तो 10-5 करोड़ कम कर दिया गया इस तरह से। तो यहाँ 1 रुपया नहीं कम किया था, अब एक निश्चित राशि कम कर दी जाती है, तो ये गलत हो गया। और नीतिगत कटौती में क्या होता है साथियों, नीतिगत कटौती यानी आपकी नीति ही गलत है। जब नीतिगत कटौती किया जाता है तो उसमें आपकी पूरी राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, यानी अब वो फेल हो गया, आप उसमें जो है खर्च नहीं कर सकते, वो बेकार नीति है आपकी। तो नीतिगत कटौती के अंदर लोकसभा सदस्य की ओर से प्रस्तावित केंद्रीय बजट में अनुदान की मांग का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष व्यक्त करते हैं। नहीं साथियों, ये उसका विरोध करते हैं, तभी तो काट कर जो है 1 रुपया कर दिया जाता है, तो ये भी गलत है। तो दो के दोनों कथन आपके गलत है, गलत पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। तो 75 पे हम लोग देखते हैं, तो 75 में हमें क्या दिया है साथियों, अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो साथियों हमें मालूम है अनुच्छेद 40 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह संबंधित है, 40A से, और अनुच्छेद 40B साथियों यह पदुच्चेरी नहीं, यह लक्षद्वीप से संबंधित है, यह लक्षद्वीप से संबंधित है। और पदुच्चेरी वाला जो दिया है, या यहाँ पर पदुच्चेरी जो है, पदुच्चेरी 240E है, 240E से संबंधित है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो गलत यहाँ बी है, यही बी आपका उत्तर हो जाएगा। और ये तो अपनी अपनी जगह पर सभी सही मेल है, 240 का सी, 240C दादर नागर हवेली और दमन दीव डी, तो ये सब अपनी तीनों अपनी जगह पर सही थे, ये बी वाला गलत था, तो मैंने बता दिया क्यों गलत है। ये 240 भी लक्षद्वीप से संबंधित है और पदुचेरी 240E से। तो साथियों यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक देख लिया है, तो 75 तक देख लिया है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट बनाकर रोक रहे हैं। तो इसके बाद हमारा जो 76 लेकर 150 तक आएगा, इंडियन पॉलिटिक्स टेस्ट सीरीज है, इसको हम पार्ट सेकंड में करने वाले हैं, जो कि एक से बढ़कर एक फैक्ट प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि जो आरओ एआरओ के एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, आप समझ लीजिए ये आरओ एग्जारो का, आरओ एआरओ का जो एग्जाम होता है उसका शेडो प्रश्न है, यानी उसकी परछाई है। तो आप लोग जो है इसे जरूर देखिएगा, इसी के बाद जस्ट हम अपलोड करेंगे, आप लोग को देखने में आसानी हो, ऐसा नहीं हम इसके बाद कोई दूसरा अपलोड कर देंगे। तो इसको हम पूरा करवा कर फिर से करंट अफेयर्स या कोई अन्य, क्योंकि इस समय हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज साल कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में, तो इस समय हमारा ये पॉलिटी का है, तो अगला टेस्ट सीरीज हमारा कोई दूसरा सब्जेक्ट का होगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।